नितिन सर, फिर इस समय लेकिन आप फिर भी एक स्टॉक ऐसा कोई लेकर के आए हैं जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी जिसमें काम किया जा सकता है, लेकिन इंडेक्स से दूर रहे लेकिन स्टॉक में चले जाए, कौन सा वाला स्टॉक होगा? सर वो स्टॉक है जेबीएम ऑटो, क्या राय है सर? ऑलमोस्ट बॉटम जेबीएम फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट बॉटम फॉर्मेशन कर चुका है ये स्टॉक, 360-361 के आसपास में इसकी बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है, उसके बाद एक रिवर्सल रैली स्टार्ट कर चुका है। जिस नंबर पे इसने रिवर्सल लिया है सर 360-361 के बाद से, अगर मैं गैन नंबर में जाता हूं, अगर मैं गैन थ्योरी को लेता हूं, तो 361 एग्जैक्टली गैन नंबर वो लेवल है जो कि हमारा रिवर्सल डिनोट करता है, और इसने एग्जैक्टली 361 के पास से लोअर फॉर्मेशन करके इसने रिवर्सल क्रिएट किया है। दिसंबर तक का अगर मैं इसका टारगेट लेता हूं सर, तो इसका टारगेट मेरे पास में दिसंबर तक का 440 रुपए का आ रहा है, और अगर मैं मार्च 2023 तक जाता हूं तो ये स्टॉक मुझे 510 रुपए तक ले जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए स्टॉक रिकमेंड करता हूं, मतलब उन लोगों के लिए भी स्टॉक रिकमेंड करता हूं जिनको मैं बोल रहा हूं इंडेक्स से दूर रहने के लिए, आप इस स्टॉक पर एक अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। 388 रुपए का भी स्टॉक चल रहा है, आप इसको 380-390 इनफैक्ट 400 तक भी आप इसको बाई कर सकते हैं। दिसंबर तक आपको ये 440 रुपए बड़े आराम से दिखाएगा, जितना भी टर्मोइल होता रहे। अब इसके अंदर में एक रैली जो बनी है, प्लस जो इसको सपोर्ट मिल गया है नंबर्स और प्लैनेट्स का, ये इसको 440 तक दिसंबर तक ले जाएगा। हाँ, नो डाउट अक्टूबर महीने तक, जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर महीने तक ये उथल पुथल थोड़ी सी टर्मोइल जारी रहेगी, थोड़ा सा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, बट आपको मैंने ये स्टॉक दिया है दिसंबर तक के लिए, तो आपको इसमें कुछ स्टॉप लॉस खास मेंटेन करना नहीं है, ऑलरेडी ये बॉटम फॉर्मेशन कर चुका है, थोड़ा बहुत उथल पुथल करते हुए अपने आगे की तरफ ये बढ़ेगा। नितिन सर, क्या फिर मैं स्ट्रेटजी ये बनाऊं कि हर उथल पुथल में, यानी जितनी बार ये नीचे आए उतनी बार मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करता रहूं, एक ही बार में पैसा ना डालने की बजाय? सर बहुत बढ़िया रहेगा अगर आपको उथल पुथल ऐसी मिल जाती है, अगर, क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा है सर मुझे, लेकिन अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज 361 पर जिस हिसाब से इसने सपोर्ट पकड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि 361 को ये फिर से तोड़ने जाएगा, बट हाँ ये 361 और 386 के पास चल रहा है। आपको आपको 380 और 400 के बीच में थोड़ा सा आपको जिगजैग मिलेगा, उस समय आप डिफरेंट लेवल्स में आप एंट्री कर सकते हो, एक ही बार में एंट्री नहीं करते। सो अक्टूबर का महीना, बिकॉज देखो आज सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर का महीना आपको निकालना है, अक्टूबर महीने में आप डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में आप एंट्री ले लो, नवंबर और दिसंबर चुपचाप बैठ जाओ, आपको दिसंबर तक में ये 440 का भाव दिखा देगा। ठीक है, या फिर मैं एक और चीज पूछूं सर, कि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नीचे के लेवल्स तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अपनी कंफर्ट के लिए कह लीजिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए कह लीजिए, मैं 80% अभी पैसे डालूं, 20% सिर्फ इस काम के लिए रोक लूं कि अगर दोबारा से ये लेवल या नीचे के लेवल्स या ऊपर नीचे कुछ भी मेरा लाल निशान में जब भी होना दिखने लगे थोड़ा बहुत, तो मैं थोड़ा थोड़ा और ऐड कर दूं? कर सकते हैं सर, अगर नीचे का लेवल मैं बोलूंगा आपको 371 370 से 380 के बीच में आपको फिर से मिले अगर आप, तो आप वहां पर जो है सो एक बड़ा चंक आप डाल सकते हो, बिकॉज 361 के नीचे मुझे फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 361 के नीचे में, एक्चुअली 2-3 कन्वर्जन पॉइंट उस जगह पे खड़े हो गए थे 361 पे, ये 361 जो है वो ऐसे ही नहीं बन गया था, 361 के पीछे में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इसने 361 का एक बॉटम फॉर्मेशन करके अपनी रैली स्टार्ट किया है। तो इसीलिए 361 पर जैसा मजबूत जोड़ बना हुआ है, जितने कन्वर्जन पॉइंट इसके ऊपर आए हुए हैं, सो इसलिए मेरा डाउट है, बहुत बहुत बड़ा मजा इसके ऊपर ये है कि डाउट है कि 361 ये शायद अब ये नहीं तोड़ पाएगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि बट हाँ 370-380 आपको फिर से मिलता है, फिर से बाई करो, आपको अक्टूबर महीने में हो सकता है ये टर्मोइल आपको मिलता रहे, ऊपर नीचे मिलता रह सकता है, पर 361 मुझे टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये है राय नितिन सर की, कि किस तरीके से जेबीएमए यानी जेबीएम ऑटो के अंदर में थोड़ा निवेश करके काम करके बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है, बाकी इंडेक्स से ही से दूर ही रहने की राय है फिलहाल तो नितिन सर की, तो वो मैंने पहले से ही बता दिया।